अगर आपके उसूलों के कारण, आपके लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा के कारण, संविधान में आपकी भूमिका के कारण अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नेहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, अरे देश छोड़ो, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर का दिखाया, 5 साल के, ज्यादा नहीं। और मैं जानता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि परिवारवाद से देश बाहर निकले, ये राज परिवार बन बैठे हुए उनसे बाहर निकले, ये देश के लिए आवश्यक है। लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसके लिए वो 125 करोड़ देशवासियों को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, ये उनकी अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिणाम है, उसके लिए भी नेहरू को ही क्रेडिट देने का मन करता है।